Hello student of class 3rd, I Ruby Rachhaw come with a new video on the topic of computer hardware. In my previous video, I taught you about computer hardware. In that video, I told you whatever we can touch or feel is called computer hardware. The hardware devices of a computer can be further classified into the following four categories. As I told you that जो भी हम टच करते हैं कंप्यूटर में जो भी फील कर सकते हैं वो सब हार्डवेयर कैटेगरीज में आते हैं. आगे हमने हार्डवेयर कैटेगरीज को फोर कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइस. वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट डिवाइस ओवर हियर. इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को सेंड करने को अलाउ करती हैं. फर्स्ट कीबोर्ड इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस. अ कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड कमांड्स. कीबोर्ड डिवाइस को हम क्यों यूज़ करते हैं? कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है और इसको हम लेटर्स, नंबर्स और कमांड्स को कंप्यूटर को कमांड देने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ कम टू द माउस. माउस इज़ अनदर इनपुट डिवाइस. अ माउस इज़ यूज्ड टू पॉइंट एट अ डिजायर्ड लोकेशन. माउस को हम कब यूज़ करते हैं? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको हम किसी भी लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. और सेलेक्ट एन ऑप्शन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी अगर हमें सेलेक्ट करना है तो भी हम माउस का ही यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रॉ समथिंग ऑन द स्क्रीन. अगर हमें कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर ड्रॉप करनी है, तब भी हम माउस का ही यूज़ करते हैं. और ड्रॉ समथिंग ऑन द स्क्रीन. अगर हमें स्क्रीन पर कुछ भी ड्रॉ करना है देन बी यूज माउस. माउस को भी आगे हम फर्दर क्लासीफाइड करेंगे बट अभी हम माउस के बारे में इतना ही पढ़ेंगे. अगर आप पेंटिंग करना चाहते हो, पेंट ऑप्शन में जाके पेंटिंग करना चाहते हो, तब भी आप माउस को यूज़ करोगे. नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज माइक्रोफोन. माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है. अ माइक्रोफोन इनपुट साउंड डेटा इनटू अ कंप्यूटर. अगर आप चाहते हो कि हमारी साउंड या कोई आवाज़ हम अपने कंप्यूटर में अपलोड करना चाहते हैं तो भी हम माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे. माइक्रोफोन इनपुट साउंड डेटा इनटू अ कंप्यूटर. इट इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग साउंड. हम अपनी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन का. स्कैनर. अ स्कैनर कन्वर्ट्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट पेपर डॉक्यूमेंट. अ स्कैनर कन्वर्ट्स पेपर डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर टू इमेज फाइल ऑन अ कंप्यूटर. स्कैनर का यूज़ हम कब करते हैं? ये भी एक इनपुट डिवाइस है. स्कैनर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में सेंड करना हो, अपने कंप्यूटर में लेना हो. ऑन अ कंप्यूटर स्कैंड फाइल ऑन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्ट कॉपीज. और जो भी फाइल हम स्कैनर से अपने कंप्यूटर में रखते हैं या अपने कंप्यूटर में सेंड करते हैं उन सबको हम सॉफ्ट कॉपीज बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज वेबकैम. वेबकैम क्या है? अ वेबकैम इज़ अ कैमरा कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. या दिस इज़ अ काइंड ऑफ कैमरा. ये एक ऐसा कैमरा है जो कि हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड होता है. दैट इज़ यूज टू टेक पिक्चर्स एंड वीडियोज. इससे हम पिक्चर्स एंड वीडियो बना सकते हैं. इट इज़ यूज फॉर वीडियो चैटिंग. इसके लिए हम वीडियो चैटिंग के लिए भी हम वेबकैम को यूज़ करते हैं. आप करते हैं ना, आप लोग फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं, कभी कभी रिलेटिव्स के साथ चैटिंग करते हैं, कभी ऑनलाइन टॉकिंग करनी होती है तो उसे चैटिंग बोलते हैं और उसमें हम वेबकैम का यूज़ करते हैं. फर्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये. द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज मेड ऑफ वुड. सबसे पहले जो माउस हमने बनाया था, माउस जैसा कि आपको बताया अभी कि माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, और सबसे पहले जो कंप्यूटर में सबसे पहले जो माउस यूज़ किया गया था वो वुड